रॉबर्ट वाड्रा और श्री संजय भंडारी दोनों अनेक डिफेंस एक्सपोज में साथ देखे गए। यूपीए शासन के समय में जो डील हुई थी उस डील में रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार ये चाहता था कि उस डील को रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के माध्यम से किया जाए। रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस जो 2008 में बनी और इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए बिचौलिए का काम करती है, रॉबर्ट वाड्रा जी के दबाव में उस समय की सरकार ये चाहती थी कि डेसॉल्ट और जो भारत को रफाल विमान सप्लाई करने वाला है इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को बिचौलिए के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन उस समय ये मटेरियलाइज नहीं हो सका। इसके कारण से उस समय में ये डील कैंसिल की गई। आज भी उस डील को कैंसिल करके डेसॉल्ट को अपनी औकात बताने कि हमारे दबाव में आकर के उस समय हमारे सत्ता में होते हुए भी आपने हमारी बात को ऑनर नहीं किया, इसके लिए आज हम किसी भी हालत में इस सौदे को नहीं होने देंगे। आने वाले समय में हम वापस सत्ता में आने वाले हैं और सत्ता में आकर के हम वापस जो है आपको जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को किसी कंपनी के माध्यम से वापस डील दिलाएंगे और जो है रॉबर्ट वाड्रा के मित्र संजय भंडारी की कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया है उसका बदला जो है देश की रक्षा के साथ में समझौता करते हुए, देश की सुरक्षा के साथ में समझौता करते हुए, देश के जो है वो वायुसेना के मनोबल के साथ में समझौता करते हुए देश की विरोधी ताकतों को जिनके लिए देश को डिफेंस प्रिपेयरनेस करनी पड़ती है उनके सामने सारी चीजों का अनुचित खुलासा करते हुए भी उन्होंने इस डील को कैंसिल कराने का षड्यंत्र किया है। क्या देश एक हथियारों के दलाल जो परिवार के दामाद का मित्र और बिजनेस पार्टनर है उसके व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए देश की रक्षा तैयारी से समझौता करना स्वीकार करेगा?